वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग, एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम बनाएंगे मैगी मोमोज। सो मैगी मोमोज बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम मैगी बनाएंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए शिमला मिर्च, प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाला है और फिर उसको गर्म हो जाने के बाद फिर हम उसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और उनको हम हल्का सा ब्राउन होने तक वेट करेंगे, फिर हम उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम 2 से 3 मिनट शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से कुक कर लेंगे, फिर हम उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, फिर हम 1 मिनट उसको चलाएंगे। उसके बाद हम अपने सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नमक डाला है, फिर लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, बस और कुछ नहीं डालना है आपको। फिर आपको 2 मिनट चलाने के बाद फिर हम उसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी को गर्म हो जाने दीजिए, उसमें उबाल आ जाए, फिर हम उसमें मैगी डालेंगे। सो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मैगी का डाला है। मैंने यहाँ पर मैगी को तोड़ कर डाला है, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो पैकेट में मसाला था वही डाला है, बस और कुछ नहीं। 4 से 5 मिनट और पकाएंगे जब तक उसका पानी नहीं सूख जाता। सो हमारी मैगी अब रेडी है। सो अब हम मोमोज बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला है और 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम उन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे मैदे में। सो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से मैदे में मिलाना है सब चीज़ों को, और फिर हम उसका आटा गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके ही आटा गूंदना स्टार्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 ग्लास पानी में ही मेरा आटा गूंद चुका है। अब हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे उसकी, और हम छोटी छोटी उनकी पूरी बना लेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली कोई भी टेस्टी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो आपको इसी तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेनी है। और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैगी भर दिया उसके अंदर, और फिर हम उसके साइड साइड से पानी लगा देंगे जिससे कि वो चिपक सके। अब हम उसकी साइड साइड से लेयर्स बनाकर उसको बंद करेंगे और मोमोज का शेप देते जाएंगे। सो आपको इसी तरीके से सारे मोमोज बना लेने हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेना है, और उसको गर्म हो जाने के बाद फिर हम उसमें अपने मोमोज फ्राई करेंगे। सो आप एक एक करके मोमोज डालिए। सो मैंने यहाँ पर एक बार में 4 मोमोज डाले हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे गोल्डन ब्राउनिश कलर आने लगा है मोमोज में। ऐसे ही आप उनको फिर पलट दीजिए और उनको दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लीजिए। सो हमारे मोमोज अब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। सो दैट्स इट, हमारे मोमोज अब रेडी हैं। सो दैट्स इट, हमारे मैगी मोमोज अब बनके रेडी हैं। सो आप इनको बनाइए और बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।